Welcome to CR International School online classes. How are you student? I think everyone is fine there. Take care of yourself beta. Class kaun si hai aapki class? First, subject kaun sa padhne ja rahe hai beta hum? EVS. EVS mein aaj hum kya kar rahe hai beta? Kaun sa lesson chal raha hai hamara? Lesson number 17. Safety rules yani suraksha ke niyam. Isme aaj hum kya karne ja rahe hain? Exercise number B. Kya hai? Tick the correct answer. Aur exercise number C. ठीक है, उसमें भी हमने राइट और रॉन्ग करना है. पेज नंबर कौन सा है बेटा? ये 9494. ओके बेटा, सभी बच्चों ईवीएस की बुक निकालेंगे और मैम के साथ में ईवीएस का ये वर्क करेंगे. मैम आपको कराएंगे, मैम के साथ साथ करोगे. ओके बेटा, क्या है? टिक द करेक्ट आंसर. टिक मतलब राइट का निशान लगाना है, करेक्ट आंसर, करेक्ट मतलब सही, और आंसर मीन्स उत्तर. सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना है. ओके बेटा, अब वन नंबर देखेंगे. वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ. शुड मतलब चाहिए. वी क्रॉस, क्रॉस मीन्स पार करना. वी मीन्स हमें. द रोड, रोड मीन्स रास्ता. हमें रास्ता पार कहाँ करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए बताइए, कहाँ से करना चाहिए? एनीवेयर, कहीं से भी करना चाहिए, नहीं ना. एट द बैंड मतलब मोड़ पर करना चाहिए, नहीं ना. कहाँ? जेब्रा क्रॉसिंग. जो जेब्रा क्रॉसिंग ऐसे ऐसे करके पट्टियाँ बनी हुई थी, मैम ने आपको बताया था, जेब्रा क्रॉसिंग वाइट और ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स बनी होती है, उस पर मैम ने यही बताया था ना. तो किस पर करनी चाहिए? हमने जेब्रा क्रॉसिंग पे करनी चाहिए. तो बेटा ये जेब्रा क्रॉसिंग है, इसके बाद में जो बॉक्स आ रहा है उसमें आप क्या करोगे? राइट करोगे. हमें कहाँ पर रोड क्रॉस करना चाहिए? हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टू नंबर, वी शुड नॉट रन ऑन द. वी मीन्स हम, हमें. शुड मीन्स चाहिए. नॉट रन दौड़ना नहीं चाहिए. ऑन द किस पर नहीं दौड़ना चाहिए? स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ. पार्क यानी बगीचा. प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान. क्या हमें खेल के मैदान में नहीं दौड़ना चाहिए? वहाँ तो हम स्पेशल दौड़ते हैं, खेलते हैं. पार्क, पार्क में भी हम स्पेशल दौड़ते हैं, खेलते हैं, बहुत सारे गेम्स करते हैं, यहाँ पर तो अलाव है. फिर कहाँ पर? स्टेयर्स. स्टेयर्स मीन्स जो सीढ़ियाँ होती है, वहाँ पर हमने रन नहीं करना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम गिर सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है. तो किसको आप टिक करोगे? जो स्टेयर्स के बाद में बॉक्स बना है उस पर टिक करोगे. ओके बेटा, नेक्स्ट क्या है? वी शुड नॉट प्ले विद. वी शुड हमें, शुड वी शुड नॉट प्ले विद. हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए? नॉट मतलब नहीं. टॉयज यानी खिलौनों के साथ नहीं खेलना चाहिए. नाइफ यानी चाकू के साथ नहीं खेलना चाहिए. क्ले यानी जो मिट्टी क्ले आती है उसके साथ में नहीं खेलना चाहिए. आप तो स्पेशल क्ले से खेलते हो ना. टॉयज यानी खिलौनों से भी आप खेलते हो. क्या आप नाइफ से खेलते हो, चाकू से खेलते हो? नहीं खेलते, क्योंकि जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं उससे नहीं खेलना चाहिए, हमें इंजर्ड हो सकता है, जख्म हो सकता है, ब्लड आ सकता है. तो किससे नहीं खेलना चाहिए? नाइफ से. तो किसे टिक करेंगे? नाइफ के बाद में बॉक्स है उसे टिक करेंगे, राइट का निशान लगाएंगे. नेक्स्ट क्या है बेटा? लास्ट, वी शुड नॉट टच. टच मतलब छूना. वी शुड हमें नहीं छूना चाहिए. किसे नहीं छूना चाहिए? बुक्स को, अपनी पुस्तकों को. इलेक्ट्रिक वायर्स यानी बिजली की तारों को. फूड यानी भोजन को. हम बिना छुए भोजन खा सकते हैं? नहीं, हम तो स्पेशल टच करके भोजन खाते हैं. और बुक्स, हम तो टच करके बुक्स को रीड करते हैं ना बेटा. इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, उसे हमें टच नहीं करना चाहिए. इसे हम करेंगे क्या? टिक. किसे हमें टच नहीं करना चाहिए? इलेक्ट्रिक वायर्स को हमें टच नहीं करना चाहिए. बेटा अब इसके बाद की एक्सरसाइज है बेटा, एक्सरसाइज नंबर सी. सभी बच्चे अपने बुक में ये वाली एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें पिक्चर बनी हुई है. मैम ने बेटा बोर्ड पर पिक्चर नहीं बनाई है, तो आपने यहाँ पर देखना है और मैम आपको समझाएंगे, तो आपने करना है. मैम ने वहाँ पर नंबर डाले हैं और बॉक्स डाले हैं. ठीक है, फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे बेटा, जो वन नंबर है
उसकी पिक्चर में आप देखेंगे बच्चा क्या कर रहा है। एक बच्चा है जो नाइफ यानी चाकू से क्या कर रहा है, वेजिटेबल कैरेट को क्या कर रहा है, कैरेट मतलब गाजर को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। क्या हमें ऐसे शार्प थिंग्स के साथ में ऐसे काम करना चाहिए? नहीं ना। तो ये क्या काम आपके लिए सूटेबल है, आपके लिए सेफ है? सेफ है, नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, जो जो काम हमारे लिए सेफ है उसमें राइट का निशान लगाना है, और जो सेफ यानी हम जिसमें सुरक्षित नहीं है उसके लिए रॉन्ग का निशान लगाना है यानी साइन करना है। सेफ यानी सुरक्षित है तो राइट, सुरक्षित नहीं है तो रॉन्ग का साइन करना है। ओके बेटा, तो बताइए फर्स्ट पिक्चर जो है क्या आपके लिए सेफ है? आप नाइफ लेकर कटिंग कर लोगे? नहीं, मम्मा अलाउ नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप इंजर्ड हो सकते हो। तो फर्स्ट जो पिक्चर है उसके नीचे जो बॉक्स है उसे आप रॉन्ग करोगे, क्रॉस करोगे। ओके बेटा, अब देखेंगे टू नंबर पिक्चर। वन गर्ल है यूनिफॉर्म पहनी हुई जो कि स्कूल जा रही है। वो गर्ल कहाँ चल रही है? फुटपाथ पर। कहाँ चल रही है देखिए पिक्चर पर, फुटपाथ पर चल रही है, चल रही है ना। तो अब बताइए ये सेफ है या अनसेफ है? हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पर। तो हम इसे क्या करेंगे, टू नंबर की जो है बॉक्स उसमें राइट करेंगे। ओके बेटा, अब हम देखेंगे थ्री नंबर। एक बच्चा अपनी रूफ पर यानी छत पर क्या कर रहा है, काइट फ्लाई कर रहा है, काइट फ्लाई कर रहा है। क्या हमने अकेले जाकर छत पर काइट फ्लाई करनी चाहिए, पतंग उड़ानी चाहिए? नहीं ना, हमें किसी बड़े को साथ में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि हम तो छत से गिर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो ये हमारे लिए सेफ नहीं है। तो क्या करेंगे हम, थ्री नंबर के बॉक्स में क्रॉस। कभी भी छत पर हमने अकेले नहीं जाना चाहिए काइट फ्लाइंग के लिए, हमें किसी बड़ों को, अपने एल्डर्स को साथ में लेकर जाना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे फोर नंबर। क्या कर रही है बेटा ये गर्ल? स्टेयर्स पर रन कर रही है। और अभी मैम ने क्या बताया आपको, स्टेयर्स पर रन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, सेफ नहीं है ना, तो इसे क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बेटा फाइव नंबर। बच्चे लाइन बनाकर जो स्लाइडर है वहाँ पर खड़े हैं और वन बाय वन अपने टर्न पर खेल रहे हैं, तो ऐसे ही करना चाहिए ना। लाइन बनाकर हमने अपने टर्न का इंतज़ार करना चाहिए, एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, सेफ है ना हमारे लिए, तो हम इसे क्या करेंगे, राइट। ओके, अब देखेंगे बेटा लास्ट एक्सरसाइज। देखिए ये बच्चा नहा कर आया है, इसकी बॉडी पूरी गीली है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक वायर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और मैम ने क्या बताया है, किसे टच नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर को। और वो क्या है, पूरा गीला है और वो टच कर रहा है, ये तो रॉन्ग है, ये तो सेफ नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसे क्रॉस यानी रॉन्ग करेंगे, ठीक है बेटा। आपको मैम ने एक्सरसाइज नंबर बी और सी कराई, सबने बहुत अच्छे से समझकर इस एक्सरसाइज को डन करना है और इस एक्सरसाइज को लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।